नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ, पदयात्रा कांग्रेसियों ने निकाले। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर 14 नवंबर से 24 नवंबर तक चलने वाले महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा जिले में कांग्रेसियों ने निकाली। ये पदयात्रा शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर चौराहे से होते हुए झकिया से संग्रामपुर में इसका समापन हुआ। इस यात्रा में महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ जैसे सरकारी विरोधी जमकर किनारे लगाए गए। कांग्रेस जिला चेयरमैन नादिर सलाम ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, महंगाई चरम पर है। सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं और पीछे हटी है, उसी तरह से महंगाई के खिलाफ भी पीछे हटना पड़ेगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। पद यात्रा निकाली गई है, कहां से कहां तक ये निकाली जाएगी, इससे क्या संदेश देंगे आप लोग? महंगाई हटाओ पद यात्रा, जैसे कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने ये आह्वान किया है कि 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हम ये महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ पद यात्रा जारी रखेंगे। और ये पद यात्रा अभी चल रहा है, आज 22 तारीख है, इसके बाद 24 तारीख तक ये पदयात्रा लगातार चलता रहेगा। पूरे देश में महंगाई से आज किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग का सब हर व्यक्ति परेशान है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि ये प्रतिज्ञा यात्रा हम 24 तारीख तक चलाएंगे, और इस पर अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो ये प्रतिज्ञा यात्रा, ये पद यात्रा, महंगाई के खिलाफ यात्रा निरंतर चलता रहेगा। जिस तरह से सरकार 3 कृषि काले कानून को लेकर पीछे हटी है, लगातार साल भर जो क्या नाम है आंदोलन चलता रहा, और उस आंदोलन में 700 किसान लगभग मारे गए और 700 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम याद करते हैं और इस सरकार की नाकामयाबी को हम उजागर करते हैं। और साथ में हम ये अहद करते हैं कि सरकार को महंगाई के खिलाफ भी पीछे हटना होगा, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये सरकार जनविरोधी नीतियों से पीछे नहीं हटेगी, तब तक कांग्रेस का एक सिपाही अपने लहू का एक एक कतरा गिरा देगा। जय हिंद।